दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट वन, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन कम टू. सो दिस इज द हॉल टाइम एंड मैं शायद फर्स्ट टाइम मल्लेश्वरम का कोई भी हॉल कर रही होंगी. तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने जितने बार भी गई हूँ ना, तो वहाँ से मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे सामने सामने थी वो सब मैं आज आपको शो करूँगी. लेकिन कुछ मेजर पार्ट्स थी जैसे कि कुर्ता सेट्स एंड ऑल दैट, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मम्मी उन्हें लेके होम टाउन चली गई है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती. बट अदर देन दैट बहुत ही अफोर्डेबल कुछ क्लोथिंग पीसेस हैं मेरे पास एंड कुछ और भी हैं, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी. तो स्टार्ट करती हूँ रीसेंट वाले से ही. तो इस बार ना मैंने ये पिक करा, देखो. सो ये एक स्कर्ट है एंड दिस इज सो ब्लिंगी. ये एक स्कर्ट है एंड दिस इज द बैक. इस पर एक बहुत ही प्यारी सी जिप भी आती है एंड अच्छी क्वालिटी की है. डेफिनेटली आई एम नॉट टेलिंग कि ये बिल्कुल नया कोई पीस हो गया या समथिंग, आई डोंट नो. ये 50 रुपीज़ का मिला है तो आप समझ लो कि ये क्या हो सकता है. तो ये बट इसकी क्वालिटी, इसकी एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा सही है. लाइक रिजेक्टेड पीस या समथिंग होगा ऐसा आई थिंक. एंड इसमें हुक भी है फॉर लाइक बेटर प्रोटेक्शन एंड सॉर्ट. तो ये थोड़ी सी तो बड़ी है मेरे साइज़ में, बट हाँ 50 में मिल रहा था तो मैंने ले लिया. साइज़ ऑल्टर करवा लूँगी और 50 देके. सो ये था. एंड अगर आप सामने आगे वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से लिया है. सो वही थे. मतलब ये सारी चीज़ें ना कहीं पे भी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती हूँ क्योंकि उनको जहाँ पे भी जगह मिलता है वो वहाँ पे ही स्टार्ट कर देते हैं चिल्लाना. तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी मल्लेश्वरम में, देन जयानगर में, ये सब चीज़ें ना मिल जाती है. फिर वहाँ से ही एक और स्कर्ट पिक करा है. दिस इज़ द बैक ऑफ द स्कर्ट. कितना प्यारा कलर है देखो. एक स्लिट भी है, बिल्कुल एरोस्टेस वाला स्कर्ट होता है ना वैसा है. एंड दिस इज़ द फ्रंट. यहाँ पे हल्की सी मतलब प्लीट्स दे रखी है एंड चेन की डिटेलिंग मुझे बहुत सुंदर लगी. एकदम मतलब परफेक्ट गोल्डन कलर की है. अगेन 50. एंड लिया है एक टॉप. शॉर्ट्स वगैरह, जीन्स, बहुत कुछ थे. बट डेफिनेटली मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था जो मैं बाहर पहनना है मुझे ऐसा. तो ये सब मैं शूट वगैरह के लिए परचेज़ कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मतलब ज़रूरी हो जाता है ना कभी कभी शूट के लिए, क्योंकि बाहर तो चलो, क्योंकि बाहर तो हम 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में. सो दिस इज़ अ वन शोल्डर टॉप, कुछ इस टाइप से है एंड काफ़ी फैशनेबल है. काफ़ी ज़्यादा मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा. बट हाँ, ये ससफराज ब्रांड की है एंड नाइस. बहुत बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुई मैं इसको लेके. एंड इस पे ना ऐसे मतलब नीचे में इलास्टिक वाली डिटेलिंग है फॉर बेटर लाइक ग्रिप. सो हाँ, बहुत पसंद आई. चलो ये सब हो गया. अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं. मतलब ये ऐसे ठड़ी से नहीं लिया है, मतलब कोई चिल्ला नहीं रहता, ऐसे ही लिया है. तो ये एक भैया एक बार मिले थे, सारे के सारे आउटफिट्स उल्टे ही हैं. टी शर्ट्स ही बोल सकते हैं, फुल स्लीव टी शर्ट्स, पुल ओवर सॉर्ट ऑफ पिक करा था. एंड दिस इज हाउ दिस लुक्स. बहुत ही प्लेन बेसिक एंड काफ़ी सॉफ्ट सा है, ग्रे कलर में एकदम प्रॉपर, जो थोड़ा व्हाइटिश ग्रे होता है ना उस कलर में है. एंड कोई भी लेबलिंग कुछ भी नहीं है. जब मैंने लिया था तो इसमें ज़ारा का टैग लगा था जो कि मैंने फाड़ दिया है एंड मैं ये पहनने लगी हूँ. तो ये बहुत सॉफ्ट है. लाइक जो बैंगलोर की विंटर्स आती है ना, थोड़ी थोड़ी सी जब बारिश होती है तो ही ठंडी लगती है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. डेली वेयर में, कॉलेज जाने के लिए, ऐसे उधर इधर उधर जाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है. इस ये तो बहुत प्लेन सा हो गया. उनके ही पास से पिक करा था ये, बिल्कुल ही एकदम डिज़ाइन वाला. एंड इस पे हैंड्स पे एंड इसमें ना थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लैक है, इसके वजह से भी मुझे ये मतलब हैंड्स इतने तक आता है. प्रॉपर फुल स्लीव है दोनों ही. एंड इसका भी मुझे मटेरियल काफ़ी पसंद है एंड बहुत ही वार्म प्रोवाइड करता है एंड बहुत पतला सा है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है बट बहुत ही वार्म प्रोवाइड कर देता है. सो ये भी 100 रुपीज़ का लिया, एक ईच 100 रुपीज़. फिर लिया था ये साड़ी. गेस व्हाट, ये साड़ी भी 100 या 150 रुपीज़ की है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. मैं यहाँ आई बटन पे वीडियोस टैग कर दूँगी. मेरे पहले वाले जो भी मल्लेश्वरम के वीडियोस थे वो मैं यहाँ टैग कर दूँगी. उसमें मैंने आपको शो किया है कि ये कहाँ से मैंने लिया था. सेम
उसी जगह पे एक अंकल बैठते हैं जो इस बार कुर्ता सेल कर रहे थे, वही हमेशा साड़ी भी उनके पास से मैंने ये साड़ी पिक करी थी। उनके पास बहुत सारी साड़ी थी, आई थिंक सारे 100 रुपीज़ के ही थे, कोई भी पिक करो 100। तो मैं और मम्मी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थे कि शायद ये अंदर से अच्छा नहीं होगा, या तो फिर कहीं से फटा होगा या स्टेन्ड होगा, कुछ होगा, तभी वो 100 में दे रहे। बट वो इतने अच्छे थे कि वो हमें खोल के दिखा रहे थे कि देख लो, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप क्लियर कर सकते हो। लाइक 100 रुपीज़ के लिए उनको फिर से मेहनत करके रखना भी पड़ रहा था, तो फिर भी कोई बात, वो बिल्कुल भी गुस्सा भी नहीं कर रहे थे। दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग। एंड मैं इस्कॉन जाती हूँ वहाँ पे, तो मुझे साड़ी अगर कभी पहनने का मन किया तो मुझे लगा कि हाँ, एंड कभी मैं चाहूँ उससे स्कर्ट भी बनवा सकती हूँ एंड आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच एंड स्टफ, तो उसके लिए मैंने ले लिया था कि 100 रुपीज़ में क्या जाता है, चलो ले लेती हूँ एंड चेक करती हूँ। एंड घर आके साड़ी की लेंथ प्रॉपर थी, जैसे प्रॉपर एक 7 मीटर की होती है शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट जैसी साड़ी होती है वैसी है। अगर ज़्यादा बहुत हेल्दी है तो थोड़ी छोटी आ सकती है, बट अदर देन दैट साड़ी बिल्कुल नॉर्मल फिगर के लिए बिल्कुल ही सही है। अच्छी खासी प्लीट्स बन जाती है, जो लेंथ है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा था। फिर इस बार जहाँ से मैंने स्कर्ट्स पिक करे थे, जहाँ से मैं स्कर्ट दिखाई थी ना, वहाँ पे मैंने इस बार पिक करा है ये स्कर्ट। तो देखो, अगर ये थोड़ा ऐसे रख दिया था मैंने, इसीलिए हो गया, वरना ये ऐसा नहीं था, इसको थोड़ा आयरन करना पड़ेगा। बाकी ये बहुत ही गंदी हालत में था, इसलिए ऐसा हो गया है। सो द थिंग इज़ कि नवरात्रि आने वाली है, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर डांडिया नाइट एंड स्टफ, तो आप इस शॉप से ना कहीं बहुत ही अच्छे अच्छे स्कर्ट्स आपको मिल जाते हैं, फुल लाइक पैरों वाले स्कर्ट। एंड मेन थिंग है कि पूरे मालेश्वर मार्केट में ना मुझे कहीं भी प्रॉपर मतलब घेर वाला स्कर्ट नहीं मिलता है, बट ये वाले शॉप में ज़रूर मिल जाता है। बहुत तरीके के स्कर्ट होते हैं, एक तो मुझे इतना रिग्रेट है, मैं गई थी एंड मैंने नहीं लिया था, बहुत रिग्रेट था मुझे, क्योंकि अच्छा सिक्वन वाला स्कर्ट मैंने मिस कर दिया था 200 रुपीज़ में, तो ये भी 200 का ही है एंड इसमें भी अच्छी खासी फ्लेयर जो है आ जाती है। बाकी इसका जो प्रिंट है, आई गेस कि ये थोड़ा वॉश करने से थोड़ा सा डार्क हो सकता है, बट देन ठीक है, स्कर्ट्स उतना कौन ही वॉश करता है, अनटिल एंड अनलेस इस पर मैं कुछ गिरा दूँ तो मैं कुछ नहीं गिराऊंगी इस पर। एंड हाँ, इस टाइप से दिखता है। एक और स्कर्ट लिया था जब मैं शायद फर्स्ट टाइम मलेश्वरम गई थी, वो है ये वाली स्कर्ट, एंड आई डू रिग्रेट कि वहाँ पे उस टाइम पे, एंड इसका आप फ्लेयर देखोगे ना तो आप पागल हो जाओगे, ये इसका हाफ है एंड दिस इज द होल फ्लेयर, गाइज आ भी नहीं रहा है पूरे कैमरे में तो। सो ये प्रॉपर ना कॉटन की स्कर्ट है एंड इस पर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, वाइट पे ग्रीन, देन पिंक, फिर ब्लू, बहुत सारे थे। बट उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मिल ही जाएंगे यहाँ पे, बट उसके बाद से मुझे वो अंकल कभी नहीं दिखे। बट हाँ, ये वाले शॉप में ना ऐसे वाली स्कर्ट्स थी, तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो पक्का लूँगी। पिंक एंड ग्रीन कलर का मैं देख के आई हूँ इस बार, तो लूँगी नेक्स्ट टाइम। तो ये भी, ये मैंने 250 का लिया था, यहाँ पे भी 250 था प्राइस, बट ये थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा अलग है दोनों, तो ये 200 का है एंड इसकी क्वालिटी बहुत हैवी है, तो ये 250 की। देन गाइज, मलेशिया मार्केट में ना आपको बहुत सारे इयररिंग्स की शॉप दिख जाएंगी, लेकिन एक ऑथेंटिक ज्वेलरी जो होती है ना, एक राजस्थानी आंटी रहती है, ये वाली आपने देखा होगा पहले, तो वो आंटी ना प्रॉपर जो राजस्थानी ज्वेलरीज होती है ना वो सेल करते हैं, तो मैं उनके पास से कुछ कुछ चीज़ें ली थी। देखो, इयररिंग्स भी लिया था मैंने, बट अब मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स हो गए कि मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि कौन सा मैंने उनके पास से लिया था। बट मैंने लिया था ये एंकलेट, जो मुझे परफेक्टली याद है कि मैं उनसे ही ली थी, एंड ये 100 रुपीज़ का था, मतलब सेट पैक ऑफ टू, तो ये अलग अलग है, ऐसा चेन लग रहा होगा, बट लेट मी ओपन इट। देखो, कुछ इस टाइप से लगता है ये, एंड प्यारा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। लाइक कॉटन की साड़ीज या तो फिर ऐसे स्कर्ट्स के साथ ना ये बहुत अच्छा लगता है। आज का वीडियो तो प्रॉपर पूरे नवरात्रि के ऊपर ही बन गया कि आप अगर बैंगलोर में हो तो आप कहाँ से शॉप करोगे। फिर ये वाली नेक पीस भी मैंने ली थी एंड कितना सुंदर है बताओ, ये भी 100 या तो 150 रुपीज़ का था एंड दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। जो लेंथ है ना वो एडजस्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आप इसको और भी लंबा कर सकते हो एंड छोटा, तो ये छोटा भी कर सकते हो, और इतना अगर आपको पहनना है तो भी आप पहन सकते हो। सो इसे खोल देती हूँ
एंड मैंने इनके पास से ना जो यहाँ पे पहनते हैं वो भी लिया था, बट वो कहाँ पे रखा है अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वो भी 30 रुपीज़ का था। तो ऐसे आपको बहुत सारी जंग ज्वेलरीज वहाँ पे मिल जाएंगे लाइक ऐसे वाली। ये तो मैंने नहीं लिया उनके पास से क्योंकि मैंने ये सेट में ऑर्डर करा था ऑनलाइन से, तो ऐसे वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर रिंग्स मिल जाएंगी, फिर तरह तरीके की ईयरिंग्स, फिर ब्रेसलेट्स, चूड़ियाँ, बहुत कुछ है उनके पास। सो इफ़ यू आर विजिटिंग मलेश्वरम नेक्स्ट टाइम देन डू विजिट दीज शॉप्स, यू विल रियली फाइंड अमेजिंग डील्स। एंड कुर्ता सेट तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। एंड या गाइज, इफ यू मेड इट सो फार देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन बाय।